क्या कि दूसरी नौकरी कंफर्म हो गई है लिस्ट में, शायद नाम हो यार अपना। कई कट ऑफ मजेदार है यार, 200 नंबर की कट ऑफ भाई, 200 में से 25 किलोमीटर जब भाग रहे थे तो उस टाइम पे दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि यार जैसे तैसे बस ये कंप्लीट कर लें, इसको कंप्लीट कर लेंगे तो शायद फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ये सोच के मैं भाग रहा था भाग रहा था भाग रहा था भाग रहा था। हे गाइस व्हाट्सअप, तो मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि रिजल्ट है वो एक्चुअली कुछ दिन पहले अनाउंस हो गया था एंड आई वॉज समवेयर एल्स, ड्यू टू दैट आई वॉज अनएबल टू शूट द वीडियो। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फेक होने वाली है रिजल्ट को लेके, तो चलिए इस फेक एक्टिंग को एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हे गाइस व्हाट्सअप, उम्मीद करता हूँ द सरकारी गए फैमिली बहुत ही बढ़िया होगी और कुशल मंगल होगी। तो यार एक थोड़ी खुशखबरी हो सकती है और थोड़ी एक दुख खबरी हो सकती है, वो ये है कि अभी दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट अनाउंस हो गया है एंड जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा क्या कि दूसरी नौकरी कंफर्म हो गई है। तो देखते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट में थोड़ा स्क्रॉल डाउन वगैरह लॉग इन करके देखते हैं कि फाइनली जो मेहनत हमने की थी दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के लिए, एग्जाम मैंने लगभग 2 साल पहले दिया था और अब जाके इसका फाइनल रिजल्ट आया है। तो देखते हैं कि उसमें बात बनी है या नहीं बनी है। पेपर 1 तो हमने निकाल लिया था, उसके बाद फिजिकल था, फिजिकल भी हमने दे ही दिया था उसका। फिजिकल के अंदर खास बात ये थी कि क्या जो 25 किलोमीटर विच आई हैड रन, क्या वो काम आया 25 किलोमीटर भागना काम आया है नहीं आया, और दूसरी नौकरी कंफर्म हुई या नहीं हुई, तो जरा देखते हैं और आगे बढ़ते हैं यार। तो रिजल्ट देखने से पहले हम जरा सा इस एग्जाम के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या और ये क्या चीज होती है। तो इस एग्जाम के बारे में ये है कि ये बेसिकली दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम था। हर स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट गार्ड होता है और उसका डिफरेंट बॉडी एग्जाम कंडक्ट कराती है। फॉर एग्जाम्पल UPPSC जो है वो यूपी के जितने भी फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनका एग्जाम कंडक्ट कराती है। दिल्ली के अंदर अलग से ऐसा बॉडी नहीं है, तो DFWD है, यानी कि दिल्ली फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वही एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये वाला जो फॉर्म है ये यूजुअली ऐसा नहीं है कि हर साल निकलता है, जैसे कि अभी 2022 चल रहा है तो इस साल भी निकलेगा, एक जरूरी नहीं है ये बात। 21 में निकला था, ये बात भी जरूरी नहीं है। 2020 के अंदर फॉर्म निकला था और इससे पहले लगभग 3-4 साल पहले ये फॉर्म निकला था। तो दिस इज नॉट ए फ्रीक्वेंट फॉर्म कि ये हर साल आना ही आना है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैकेंसीज कि वहाँ पर वैकेंसीज फिलहाल अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो 2020 में ये फॉर्म निकला था, इसके अंदर बेसिकली 3 तरह की वैकेंसीज थी। जो पहली पहली थी आपकी वाइल्ड लाइफ गार्ड, जो आपकी 10th बेस जॉब थी, उसके अंदर शायद 11 वैकेंसी के आसपास थी। उसके बाद आपकी 12th बेस जॉब थी, जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड थी। तो वाइल्ड लाइफ गार्ड एंड देन फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड वॉज अ 12th बेस जॉब जो कि मैंने फिल किया था, क्योंकि एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वॉज नॉट ग्रेजुएट। In 2020, I was just 12th pass, so I had filled that form on my 12th qualification only. And फिर आपकी तीसरी आ जाती है, दैट इज योर फॉरेस्ट रेंजर। फॉरेस्ट रेंजर आपका ग्रेजुएशन बेस एग्जाम होता है और इसके अंदर आपको जो ग्रेजुएशन बेस पे जो भी पोस्ट वहाँ पे अवेलेबल होती है, इसको हम फॉरेस्ट रेंजर कहते हैं, वो आपको दे दी जाती है वहाँ पर। तो ये हमने बात कर ली इन तीन पोस्ट के बारे में, दैट इज वाइल्ड लाइफ गार्ड, योर फॉरेस्ट गार्ड एंड योर फॉरेस्ट रेंजर। दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के अंदर बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपैरेटिवली प्रमोशन लिटिल लिटिल थोड़े से सही रहते हैं। मतलब अगर इफ़ वी कंपेयर इट विद सेंट्रल मिनिस्ट्री, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम वर्किंग इन रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय या जितनी भी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं वहाँ पे प्रमोशन काफ़ी टाइम से हुए नहीं है। तो बट दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड एक इंडिपेंडेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो यहाँ पे प्रमोशंस थोड़े ज़्यादा सही रहते हैं। तो खैर ये सब बातें तो मैंने उस टाइम फॉर्म फिल करते टाइम देखी नहीं थी, बट जब पेपर क्लियर हो गया था उसके बाद आई हैड डन अ लिटिल बिट रिसर्च ओवर इट एंड तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर भी इनफ टाइम मिल जाता है आपको स्टडी करने के लिए, यहाँ पे प्रमोशन रेट भी काफ़ी सही है। तो एंड इसमें एक फिजिकल भी हुआ था पेपर क्लियर करने के बाद, जो कि 25 किलोमीटर का वॉकिंग या रनिंग आप कह सकते हैं, काइंड ऑफ जॉगिंग था जो आपको 4 आवर्स में कंप्लीट करना था। एंड उसके बाद ये फाइनलिस्ट आई है। जो फिजिकल था उसका एक्सपीरियंस जो है वो मैं अलग से एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, एग्जाम का पैटर्न और लिटिल बिट एग्जाम के बारे में, और अलग से किसी और वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे मेन हमारे रिजल्ट के बारे में यार। तो बिना देरी करे वेबसाइट पे चलते हैं और PDF डाउनलोड करते हैं। सो हे वी आर
ऑन द फेवरेट वेबसाइट सरकारी रिजल्ट एज सच आई एम नॉट इवन दिस टाइम ऑल्सो प्रमोटिंग दिस वेबसाइट, बट यूजुअली मैं इसी वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट चेक करता हूँ। तो इस पे 3 सेक्शन है, हम रिजल्ट वाले पे चलते हैं यार। ज़रा हियर कम्स योर दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, एंड एज यू कैन सी ये 2020 के अंदर फॉर्म फिल किए गए थे, एंड ये फाइनल रिजल्ट आया है। थोड़ा नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, अपना फॉरेस्ट गार्ड है, नीचे जाते हैं, ये रहा डाउनलोड फाइनल रिजल्ट फॉरेस्ट गार्ड के। PDF डाउनलोड हो रही है, शायद लिटिल बिट टेक्निकल ग्लिच अगेन, वी हैड ट्राइड फॉर वन मोर टैब, अब हो गया डाउनलोड PDF। तो फाइनली ये अपनी PDF आ चुकी है यार। थोड़ा और क्लोज आ जाते हैं और देखते हैं ज़रा। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, विकास भवन, सेकंड फ्लोर। ओके ओके ओके, 28/9 को रिजल्ट। ओके, फाइनल रिजल्ट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड, 211 वैकेंसीज, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ओके, 471 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था 211 सीटों पे, तो लगभग डबल्स, तो लगभग लगभग डबल से ऊपर बच्चों को इन्होंने फिजिकल के लिए बुलाया था यार। 211 के अगेंस्ट में 471 कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। ओके, एंड DV बायोमेट्रिक वगैरह सब हुआ था उनका, एंड ओके कट ऑफ। तो यार कितनी मज़ेदार बात है कि MTS में तो हमने देखा था कि हरियाणा के अंदर 100 से ऊपर कट ऑफ जा रही है, अब दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में भी UR की कट ऑफ भाई साहब 200 नंबर। 200 में से 200 नंबर की कट ऑफ गई है यार, मतलब क्वाइट स्ट्रेंज। मे भी बच्चे ज़्यादा पढ़ने लग गए हैं, यू नो ना, खैर लीव इट। ओके, अपना तो भाई OBC NCL है, तो OBC NCL के अंदर 146.37 कट ऑफ, मेरा रॉ स्कोर शायद एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब इसके आसपास ही था मेरा रॉ स्कोर, तो वैसे ही कुछ था। थोड़ा और आते हैं, बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वॉकिंग, DV, बायोमेट्रिक वगैरह वहाँ पर हो गया था। ये 211 बच्चों की अब लिस्ट है, और इन्होंने एक वेटिंग लिस्ट का प्रावधान भी दिया है फॉरेस्ट गार्ड के अंदर, जो कि 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। लेट मी जूम इन फॉर यू गाइस, 1 साल के लिए इनका वेटिंग लिस्ट का प्रावधान भी है। ओके, तो थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा नीचे 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 नीचे, तो ये प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के अंदर लिए हैं, एंड हाँ रो स्कोर शायद मेरा अराउंड 135 के आसपास। और इसमें एक एग्जाम में एक मज़ेदार बात है यार, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में जैसे बाकी एग्जाम आप देते हो तो आपको स्कोर पता लग जाता है कितना, यार दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के अंदर नॉर्मलाइज स्कोर आपको दिखाया ही नहीं है। मतलब काफ़ी सही है यार, मतलब बनती है यार 200 कट ऑफ अगर आपको स्कोर दिखाया ही नहीं है तो। खैर आगे बढ़ते हैं, तो ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं। ओके ओके, 35 30 40 60 71 71, तो 71 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। थोड़ा और नीचे आते हैं, अपना OBC कैटेगरी आ गया है, लेट्स सर्च इट फॉर सचिन, अरविंद, मोहित, अभास, सचिन, दिस इज सचिन शेरावत नॉट मी। ओके ओके, दिस इज ओनली सचिन। ओके ओके, देन अगेन ओनली सचिन, 21 कैंडिडेट्स हो गए। और तो प्रोविजनली में तो नहीं है भाई बिल्कुल भी अपना नंबर, 21 बच्चे थे, उसमें से 3 सचिन थे, खाली 2 सचिन थे और एक दूसरा सचिन शेरावत था, तो उसमें सचिन जजोरिया तो नहीं है। ये SC कैटेगरी है, थोड़ा नीचे जाते हैं, इसमें शायद ST कैटेगरी, अब एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ये है वेटिंग लिस्ट। होप सो वेटिंग लिस्ट में शायद नाम हो यार अपना। थोड़ा सा ये जनरल OBC कैटेगरी, प्रिया कुमारी, अभिषेक शर्मा, अगेन 2 सचिन हैं, बट इसमें से ये तो ओनली सचिन है, एक सचिन कुमार है, तो दिस इज़ नॉट मी। सचिन डागर भी है, 14 कैंडिडेट्स आर ऑफ OBC, इसमें से 3 सचिन हैं। तो वही, इसमें तो नाम नहीं है। खैर
ये ओबीसी कैटेगरी का वेटिंग है, वेटिंग में भी नाम नहीं है यार इन तीनों में। तो इल्ले देर इज नो नेम इन द प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट एंड इवन इन द वेटिंग लिस्ट फॉर दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड। खैर कोई नहीं, आगे और भी एग्जाम्स है। ये तो पुराना था जिसका हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आगे और भी एग्जाम्स आने वाले हैं यार। तो यही था यार दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट जो पीडीएफ वाला था। तो यही था यार रिजल्ट के बारे में फिलहाल आज के लिए, कि वेदर आई हैड क्वालिफाइड और नॉट, क्या दूसरी नौकरी अपनी कंफर्म हुई या नहीं हुई। तो कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि फिलहाल के लिए वी आर वर्किंग इन रक्षा मंत्रालय ओनली, वी आर वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे इस ऑफिस में एक हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, वो एक लाइन बोलते हैं, ओ काके छत लेंटर दी तो नौकरी सेंट्रल दी। खैर जो भी है फिलहाल नौकरी सेंट्रल दी ही रहने वाली है, देर इज नो चांस ऑफ मी गोइंग इन दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड एज ऑफ राइट नाउ। और इस एग्जाम के बारे में और छोटी छोटी बातें हैं फिजिकल को लेके एंड थोड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह और क्या क्या हैं एंड इसका डीवी किस हिसाब से हुआ था एंड एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारी बात मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके सामने बिल्कुल शेयर करूंगा। फिजिकल जो था मेरा उसके अंदर हाउ आई डिड दोज 25 किलोमीटर्स एंड स्टिल इट गॉन वेन, बट नॉट लिटरली वेन यार, मतलब अपने आप में एक अचीवमेंट था। क्या वो बात की बात है, और वही मजेदार बात यार, नंबर तो इन लोगों ने दिखाई नहीं है भाई कितने बने, खाली इन्होंने आंसर की अपलोड कर दी थी। रो स्कोर मेरा अराउंड 130-135 के आसपास था और कट ऑफ गई है 146, और यू आर गई कट ऑफ, मजेदार है यार 200 नंबर की कट ऑफ भाई, 200 वैसे खैर मतलब लिटरली सब बच्चों के लाइन से 200 नंबर आए हैं। मैं कुछ किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा ना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ बस। खैर जो भी है आई लव भारत सरकार। तो यही था बस। तो अपनी ओबीसी गई है 146 एंड बाकी कैटेगरीज की से थोड़ी थोड़ी कम गई है, 131 ऐसे करके एक्स सर्विसमैन की और भी कट ऑफ कम गई है। तो कुल मिला के इस वीडियो में यार मेरी तरफ से फिलहाल के लिए आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी रिजल्ट की, अगर पसंद आए तो यार लाइक का बटन दबा देना यार, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना एंड कुछ अगर डाउट वोट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना दोस्त। एंड व्हाट एल्स, हाँ सेम नेम है मेरा, दास सरकारी गाय के नाम से इंस्टाग्राम पे, आप चाहो तो वहाँ फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा इफ़ यू वॉन्ट मी टू फॉलो ओवर देयर। एंड आने वाले टाइम में आप किस चीज़ के ऊपर कोई सीरीज चाहते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल जो MTS की सीरीज थी वो चल रही थी अपनी, उसका भी एक लास्ट पार्ट रहता है अभी, वो आने वाला है। उस पर थोड़ा वर्क थोड़ा ज़्यादा है इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है अपलोडिंग के अंदर। तो इसके अलावा आप और क्या सीरीज चाहते हैं मुझसे, मतलब एंड और व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आई विल वर्क ओवर इट एंड ट्राई टू मेक अ सीरीज ओवर ऑन दैट एग्जाम ऑल्सो। तो फिलहाल के लिए अलविदा लेता हूँ आपसे, दिस इज योर द सरकारी गाय नॉट जस्ट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय बाय, टेक केयर गाइस।